आज हम लोग जा रहे हैं टेस्ला मॉडल 3 की टेस्ट ड्राइव के लिए। तो हमें व्हाइट कलर की मिली है टेस्ला मॉडल 3। अभी फिर से भगाएगा। पिकअप बहुत सॉलिड है। फ्रंट में भी आपको बूट स्पेस मिल जाती है और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे कुछ भी नहीं है ट्रेडिशनल कार्स की तरह, एक बड़ी सी स्क्रीन। तो हमें व्हाइट कलर की मिली है टेस्ला मॉडल 3। यहाँ से निकलते हैं, किसी पार्किंग लॉट में रुकते हैं, फिर दिखाता हूँ ये सारी चीजें। और एंट्री के लिए बहुत ही इजी है, पहले आपको यहाँ दबाना है, उसके बाद हैंडल को पकड़ो और खोल लो डोर। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे कुछ भी नहीं है ट्रेडिशनल कार्स की तरह, एक बड़ी सी स्क्रीन, कोई मीटर नहीं है, जो भी है सब यहीं पे है। और डोर ओपन करने के लिए ये बटन को आप दबाओ और डोर खुल जाएगा। और मेरे लिए पता सबसे अच्छा क्या होता है कार में, ऊपर पैनोरामिक सनरूफ, ये बहुत ही कमाल लगता है। और यूवी प्रोटेक्टेड ये है, तो यहाँ पे कोई भी धूप वगैरह नहीं आएगी। ये परफॉर्मेंस कौन सी है, लॉन्ग रेंज में इतना पिकअप है, ये तो बहुत सही है यार। 4. कितना सेकंड्स है? 0 to 60, 4.2, यानी कि 0 to 100 चार सेकंड्स में। वो और ये लॉन्ग रेंज मॉडल है, जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे 3 seconds में है। 3 seconds 0 to 60 mph, यानी कि 0 to 100 kmph। अब ये फिर से भगाएगा। पिकअप बहुत सॉलिड है। और जैसे लैम्बोर्गिनी होती है या उससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना साउंड, कि वो बर 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 वाला साउंड आता है, यहाँ पे आता है बहुत ही अजीब सा साउंड है। यूज्ड टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, क्योंकि कोई भी मीटर वगैरह नहीं है। स्पीडोमीटर जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और मैप्स वगैरह सारी चीजें आती हैं यहाँ पे। और डिटेल में सारी चीजें बताता हूँ, एक बार हम रुक जाएं, पहले ये भगाना हट जाए। इसमें एक चीज डिफरेंट है जो मैं अभी ऑब्जर्व की है बैठते ही, वो है कि यहाँ पे क्योंकि स्पीडोमीटर नहीं मिलता, जो टेस्ला मॉडल एस एन एक्स है वहाँ पे दो है, एक तो ये वाली स्क्रीन है 17 इंच की और उसके साथ एक सामने मिलती है, तो वहाँ पे आपको सारी लाइट्स वगैरह दिखती रहती है, जो भी ग्रीन लाइट है यहाँ पे दिखती है, बट वो मजा नहीं है, वो उसमें ज्यादा मजा है। बट एक चीज है कि बहुत ही क्लीन कार है, कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा फ्रंट में, जैसे होता है ना यूजुअल कार्स में गियर बॉक्स, ये बटन वटन कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये स्क्रीन है, यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। और ये मिरर मुझे नहीं पसंद है, बहुत ही छोटा मिरर है। आपको पसंद है? पसंद कर गया, लेकिन चलता है। तो अभी पार्किंग लॉट एक मिल गया छोटा सा, और ज्यादा टाइम नहीं है, 10 ही मिनट के लिए कार हमारे पास है, 30 मिनट मिले थे। तो फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है टेस्ला मॉडल 3। अब यहाँ पे क्योंकि इंजन नहीं है, तो जो फ्रंट है जहाँ पे इंजन यूजुअली होता है, ये भी ट्रंक ही है, तो इसको टेस्ला की लैंग्वेज में बोले तो बोला जाता है फ्रंक। तो फ्रंट में भी अगर आप कोई चीज रखना चाहो आप रख सकते हो। इसको बंद कर देते हैं। मुझे इसकी जो फ्रंट वाली लाइट्स हैं बहुत ज्यादा पसंद है, अभी मैंने ऑन करवाई है उससे। लाइट्स डे टाइम रनिंग एलईडी आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्रोजेक्टर लैंप्स, बहुत सही लगता है। फ्रंट जो लुक है वो बहुत अच्छा है, इमेजिन इंडियन रोड्स के ऊपर इस कार को, वो हो बहुत ही मजा आने वाला है। और उसके बाद अगर पीछे चलें और पीछे जा ही रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैमरास दिखेंगे, एक कैमरा यहाँ पे है, एक आपको ये कैमरा दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम आए बैक साइड में, तो ये है बैक, कुछ ऐसी दिखती है टेस्ला मॉडल 3। बूट स्पेस की बात करूं, छोटी कार के हिसाब से बहुत सारा लगेज इसमें आ सकता है, कार छोटी दिखती है बट बूट काफी ज्यादा बड़ा है, तो काफी सारी चीजें इसके अंदर हम फिट कर सकते हैं। और ये जो मॉडल है ये है लॉन्ग रेंज मॉडल, इसके अलावा एक परफॉर्मेंस मॉडल आता है और एकदम लो एंड मॉडल आता है स्टैंडर्ड मॉडल। तो ये जो है ये मिडिल वाला मॉडल है, एंड 353 miles की हमें रेंज मिल जाती है। और कैमरास की बात करूँ, तो एक कैमरा यहाँ पे दिख रहा है और एक है इस जगह पे, जो कि इसकी हेल्प करते हैं समन फीचर के लिए, सेल्फ ड्राइविंग के लिए। और अब इंटीरियर की बात करें, अब स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करूं, तो रेगुलर बिल्कुल स्टेयरिंग व्हील है, टेस्ला का लोगो दिख रहा है, यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल करते हो। और स्क्रीन सामने कोई भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, इसका यूज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पीछे दो नॉब्स दिख रहे हैं, पहली ये वाली जो नॉब है, यहाँ से आप ड्राइव मोड चूज कर सकते हो, उसके साथ ही सेल्फ ड्राइविंग में अगर डालना चाहते हो, इस तरफ है वाइपर और इंडिकेटर वाला। और उसके बाद आ जाते हैं, तो सबसे पहले एक कंपार्टमेंट ये मिलेगा जो कि काफी बड़ा है, शुरू में भी दिखाया था, कैमरा फिट आ गया था मेरा पूरा, कप होल्डर्स। और एक यहाँ पे है हमारे पास सामान रखने के लिए, तो यहाँ पे भी काफी जगह है, तो अच्छी खासी स्पेस आपको मिल रही है। तो यहाँ पे दो दो वायरलेस चार्जर्स भी हैं, मुझे लगा इन्होंने वायरलेस चार्जर अभी इनेबल नहीं किया हुआ, क्योंकि कार बंद है तो चल नहीं रही है, बट यहाँ पे दो फोन आ जाएंगे। और ये है 12 Pro Max, तो अगर 12 Pro Max आ सकता है तो किसी भी फोन को आप यूज कर सकते हो। तो अब अगर मैं इस स्क्रीन की बात करूँ, सेल्फ ड्राइविंग तो अभी हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए वाली कार हमारे पास है, बट यहाँ से आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो ड्राइविंग से रिलेटेड, तो जैसे क्विक कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, एडजस्टमेंट मिरर की करना चाहो, स्टीयरिंग व्हील की करना चाहो, लाइट्स हो गई आपकी, लॉक्स, डिस्प्ले, सेटिंग क्या रखना चाहते हो इस डिस्प्ले की, ड्राइविंग कौन से मोड के अंदर आप चलाना चाहते हो, उसके बाद है ऑटो पायलट जो कि हम फ्रीवे के ऊपर टेस्ट करना चाहते थे बट उतना टाइम हमें नहीं मिला, नेविगेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसके बाद म्यूजिक आ जाएगा, यहाँ से आप अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हो, रेडियो चला सकते हो,
उसके बाद है कैमरास जो है इस कार के बहुत ही अमेजिंग, और यहाँ पे सारा टाइम अगर आपकी कार पार्क भी है तो रिकॉर्डिंग चलती रहती है, तो अगर कोई स्क्रैच वगैरह मार के जाएगा तो आपके पास प्रूफ होगा। और जब आप ड्राइव भी कर रहे होते हो तो ये जो कैमरास हैं आप देख सकते हो कितने क्रिस्टल क्लियर कैमरास हैं। और एक चीज, क्योंकि टेकी हूं मैं, एक मेरा टेक चैनल भी है अगर आपको नहीं पता, तो जो टच स्क्रीन है यहाँ पे, ट्रस्ट मी, सबसे बेस्ट टच स्क्रीन है। जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे आगे वाइपर्स ऑटो कर सकते हो या लेवल सेलेक्ट कर सकते हो वाइपर्स का। उसके बाद सीट हीट करना चाहो, अगर हीटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं। ड्यूअल जोन कंट्रोल मिल जाता है एसी का, तो आप अगर इस साइड बैठे हो अलग टेम्परेचर रखना चाहते हो रख सकते हो, हीटेड सीट्स एंड ऑल दैट। और उसके बाद अभी जल्दी जल्दी में मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। इसकी की देखोगे कार की, ये है टेस्ला मॉडल 3 की चाबी। इससे आपकी कार जो है वो चलती है, और अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है जो कि आज के टाइम में हो गई, तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप किसी को देना चाहते हो तो आप ये दे सकते हो। बट अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है, आप अपने फ़ोन में टेस्ला की ऐप डाउनलोड करो, जैसे ही आप इसके पास आओगे कार अनलॉक हो जाती है। और इसको ऑन करने के लिए बस आपको यहाँ पर टैप करना है, कार को पता चल जाएगा कि आप इसके अंदर आ गए हो, और उसके बाद एक्सेलरेट करो और निकल जाओ। और ये है बेसिकली कार का छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओवरऑल कार की जो क्वालिटी है अच्छी है। अब जाने से पहले बैक भी कर लेते हैं, आप खोल दीजिए मार ले। तो ये है बैक सीट, तो देख सकते हो, एक बार बैठ के भी दिखा देते हैं। मटेरियल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे BMW से, मर्सिडीज से, जो इसी प्राइस रेंज में आती है, तो उनका इंटीरियर इससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बट ये जो चीज है ये उनमें नहीं मिलेगी, ये मुझे पसंद है। तो ओवरऑल छोटी कार है बट बहुत कंफर्टेबल, अगर आप 6 फीट के भी हो तो आप आराम से इसके अंदर फिट आ जाओगे। एक बार भगाते हैं और आपको एक्सेलरेशन दिखाते हैं कितनी देर से नंबर बढ़ेंगे, तो नंबर्स पे आप ध्यान दीजिए। और अभी हम लोग ये चैलेंज किलोमीटर नहीं है, या ये माइल्स हैं, तो किलोमीटर्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। एवरी टाइम जब ये एक्सेलरेट कर रहा है हंसी मेरी अपने आप निकल रही है, और फील होता है पूरा चेस्ट में आपकी जो एक्सेलरेशन है। आई थिंक ये छोटी कार है इसलिए ज़्यादा यहाँ पे फील होती है, जो स्पीड है वो फील होती है। मॉडल S एंड X जो हैं वो इससे ज़्यादा फास्ट हैं, बट वहाँ पे इतना एक्सेलरेशन फील नहीं होता, यहाँ पे होता है। और अब हम जा रहे हैं कार वापस करने सैड डे, इसके बाद हम अपनी छोटी सी BMW में बैठेंगे। और अभी पार्क करने के लिए जा रहे थे, एक चीज़ जो हम दोनों ने नोटिस की इस कार में बैठने के बाद, जो कैबिन है वहाँ पे नॉइज बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू गैसोलीन कार्स, तो परफेक्ट है। अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो फिर तो बहुत मज़ा है, बिल्कुल सुनसान, दिल की धड़कन सुन सकते हो, इतना नहीं है, मैं थोड़ा मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, बट अच्छी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अंदर जो कैबिन नॉइज़ है वो बहुत ही कम है, तो मज़ा आता है यार इस कार में ड्राइव करने में। छोटी है, मेरा टेस्ट नहीं है इतना छोटे कार लेने का, बट क्या पता अगर ट्यूरो के लिए लेनी हो तो ले लें। तो कार पार्क कर दी है, ये रही, ये नहीं है एक्चुअली हमारी कार उस साइड पर है। तो बहुत सारी टेस्लास हैं, अब जाने से पहले अगर एक बार दिखाऊं तो ये है कार जो मैं ले रहा हूँ, ये मैट ब्लू रैप है, तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, मेरी नहीं है किसी कस्टमर की होगी। और इस टाइम पे किसी भी टेस्ला शोरूम में ना तो मॉडल एक्स है ना एस है टेस्ट ड्राइव के लिए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली 11 तारीख को इनका रिफ्रेश आ रहा है, नया मॉडल आ रहा है, तो नए वाला मॉडल मुझे मिलेगा। और ये है एस, 2012 वाला मॉडल है, ये है एक्स लेटेस्ट वाला, और मॉडल 3 ये है वाइट कलर, ये सेम स्पेसिफिकेशन मेरी कार की होगी, बट जो व्हील्स हैं व्हील्स यही वाले हैं, बट मैं कस्टम लेने वाला हूँ ब्लैक में। और ये रही मॉडल एस, बहुत स्लीक लगती है, बहुत ज़्यादा स्लीक है वो, हो स्पेशली ब्लैक व्हील्स के साथ। और अभी जो मेरा फ्रेंड यूज़ कर रहा है वो है ये BMW 2 सीरीज, ब्रांड न्यू 2 सीरीज़ है, क्योंकि इसकी 5 सीरीज़ जो है वो एक्सीडेंट हो गई है, तो सर्विस सेंटर पे है और उनके पास अभी पार्ट्स नहीं है, तो ये लोनर व्हीकल है जो हमें मिला है। और अब चलते हैं घर की तरफ।